नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनके द्वारा हाल ही में दो भर्तियों के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। और अगर आप इन दोनों भर्तियों के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिजल्ट वाला, जिसमें आपकी ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है 12/19 और 4/15, और ये जो आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, ये आपकी पोस्ट है फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस स्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पंचकुला, एडवर्टाइजमेंट 12/19 कैटेगरी नंबर 11 में। उसके बाद जो आपका दूसरा रिजल्ट जारी हुआ है, ये देख सकते हैं रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PhD साइकोलॉजी रेस्ट ऑफ हरियाणा फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 10 में, और ये कोर्ट केस वगैरह है, और उसके बाद ये जारी हुआ है। तो ये दो भर्तियों के जो रिजल्ट हाल ही में जारी हुए हैं, और इनके डाउनलोड करने के लिंक यहाँ पर है। तो पहले जो हम आपका वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वाला जो रिजल्ट आया है वो हम देख लेते हैं। और ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, और ये जो आप यहाँ पर अनाउंसमेंट देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट है पोस्ट आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस स्ट्रक्चर में है, एडवर्टाइजमेंट और कैटेगरी नंबर 11। ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जाम स्क्रूटिन डॉक्यूमेंट साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया पोस्ट थी आपकी ये वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस स्ट्रक्चर की। तो इसका जो यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट है वो कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है, और रिजल्ट हैज बीन शो कैटेगरी वाइज एंड रोल नंबर वाइज एंड मार्क्स क्योर बाई द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शो इन द ब्रैकेट। तो मेरिट वगैरह जो है वो भी यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, और 244 जो है यहाँ पर पोस्ट थी, जिसमें जनरल की 81 पोस्ट थी, एक पोस्ट थी HR जनरल की, तो 80 पोस्ट थी। आप अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और कट ऑफ रहेगी 84 पर। उसके बाद कुछ जनरल वेटिंग वाले भी कैंडिडेट हैं, इनकी 83 पर है, और उसके बाद आ जाता है SC वाले, 43 पोस्ट थी, जिसमें एक VHSC की 42 पोस्ट, और ये अपने रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी रहेगी 71 पर, और वेटिंग वालों की है 70 पर। उसके बाद आ जाते हैं आपके BCA, तो इनकी 35 पोस्ट थी, जिसमें एक VH की थी, और ये रोल नंबर, और इनके हैं यहाँ पर 75 पर। उसके बाद कुछ BCA में वेटिंग वाले भी हैं, इनकी भी गई है 75 पर। उसके बाद आ जाता है BCB की 18 थी, और इनकी गई है 78 पर। BCB वेटिंग वालों की है, इनकी भी 78 पर है। उसके बाद आ जाता है EWS 25 पोस्ट थी इनकी, और ये रहेगी 80 पर, वेटिंग वालों की है 79। और उसके बाद आ जाता है आपके ESM जनरल की 17 पोस्ट थी, इनकी रहेगी 63 पर। ESM जनरल वेटिंग वालों की 58 पर है, ESM SC की 4 थी, इनकी गई है 50 पर, और ESM BCA इनकी गई है 54 पर। ESM BCA वेटिंग वाले DSM की गई है 54 पर, और ESM BCB इनकी जो है सेल्फ में 57 एंड DSM की 76 पर। उसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट भी है DSM वालों की, ये 69 पर है। उसके बाद आ जाती है आपकी ESP जनरल वाले, इनकी है 83.50 पर, ESP SC इनकी 40, ESP BCA की 75, ESP BCB की है 78 पर। उसके बाद आ जाता है OH वाले, इनकी 2 थी, इनकी है 73 पर, वेटिंग वालों की है 68.50। उसके बाद आ जाता है HH, इनकी रहेगी 46 पर, VH वालों की 57 और वेटिंग वालों की 50। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो आप ये देख सकते हैं कितना था, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम था 90 नंबर का, और 10 नंबर साइको इकोनॉमिक्स के मिलाकर जो है साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के, तो ये हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। कुछ नोट दिया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर इसमें फेंक पाया जाता है तो उसका कैंडिडेट रिजेक्ट किया जाएगा, और
तो ये आप यहाँ पर इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपकी यहाँ पर पहला जो है वैकेंसी रिजल्ट था, और अब जो यहाँ पर दूसरा जो साइकोलॉजी वाला का जो रिजल्ट आया है वो भी देख लेते हैं। और ये आपका यहाँ पर जो साइकोलॉजी वाले जो है उनका रिजल्ट यहाँ पर ये आ चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट थी इनकी 415 कैटेगरी नंबर 17 में, कोर्ट केस वगैरह था तो उसके बाद जो ये जारी हुआ है ये देख सकते हैं। ऑर्डर 9/5/22 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, SLP नंबर इतना, और HSC vs प्रियंका एंड ORS एंड ऑन द बेसिक ऑफ रिटर्न एग्जाम री स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू वाइवा वॉइस फॉर द पोस्ट ऑफ PhD साइकोलॉजी रेस्ट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैटेगरी नंबर 17 में। और नोटिस डेट थी आपकी 26/11/18 और 27/1/21। तो यहाँ पर ये कुछ रिजल्ट है जो आपका मॉडिफाई हुआ है, तो दोबारा से इसमें कुछ जो है रोल नंबर को हटाया या बढ़ाया गया है तो इसी कारण से मॉडिफाई हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल की 80 पोस्ट थी, तो ये कैंडिडेट है यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद SC के 31, BC का ये एक है यहाँ पर, और OH के हैं ये वाला रोल नंबर। फाइनल कट ऑफ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गई है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। जनरल मेल की 112 है, जनरल फीमेल की 110, SC की 94, BCA मेल की 93, फीमेल की 92 है, और BC भी 102, EB PGC वालों की 96, ASM 94, OH की है 84। यहाँ पर जो आप रिटर्न एग्जाम देख सकते हैं 160 नंबर, 24 वाई वॉइस और 16 नंबर एक्सपीरियंस, तो टोटल थे 200 नंबर। और कुछ नोट भी जो यहाँ पर दिया गया है, इन व्यू ऑफ द रिवीजन ऑफ रिजल्ट इन प्रेजेंट डायरेक्शन डेट 9/5/22 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और 10/1/22 ये मॉडिफाई है। और एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की, तो ये भी जो अभी रोक लगी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ। तो यही जो हाल ही में दो भर्तियों के जो रिजल्ट है वो HSC के द्वारा जारी किए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।